श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा, लेकर के हाजिर हूँ मार्च महीने का राशिफल। राशि कर्क के जातक जातिकाओं के लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत विशेष जानकारियां आपके लिए होंगी। सबसे पहले इस माह का जो विशेष चीज़ें है वो क्या है, इस माह में कौन सा व्रत, कौन सा त्यौहार जो प्रमुख है उसके बारे में जानकारी दूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस प्रकार रहने वाला है आपका जो 2020 का मार्च महीना है। आपको बता दूं, इस माह 3 मार्च से होलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा। होलाष्टक में शुभ कार्य इत्यादि निषिद्ध माने जाते हैं, जो अच्छे कार्य हैं, जो उत्तम कार्य हैं उनको निषिद्ध माना जाता है। किस प्रकार के कार्य, मैरिज इत्यादि होलाष्टक में नहीं करना चाहिए, मुंडन इत्यादि होलाष्टक में नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश इत्यादि होलाष्टक में नहीं करना चाहिए, शादी विवाह इत्यादि के लिए मैंने बता ही दिया है कि ये सब चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए, और किसी घर इत्यादि को बनवाना, प्रॉपर्टी सेल करना, परचेस करना, ये सारे जो कार्य हैं वो होलाष्टक में निषेध माने जाते हैं। पूजा पाठ इत्यादि होलाष्टक में निषेध माना जाता है। 3 मार्च को लगेगा, 9 मार्च को होलिका दहन होगा। होलिका दहन के समय जा करके ये होलाष्टक जो है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 10 मार्च को विशेष रूप से खेलने वाली होली होगी। एकादशी के दिन आपको क्या करना है, एकादशी 6 मार्च को होगी। बहुत सारे लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, 6 मार्च को एकादशी होगी। जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं उनको चावल का सेवन एकादशी को नहीं करना चाहिए। चावल का सेवन करने से शरीर में जो रोग को बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है रोग के, वो निश्चित रूप से ज़्यादा हो जाती है। बहुत ज़्यादा रोग होने की संभावना निश्चित रूप से एकादशी के दिन चावल खाने से होता है। पंचक 20 तारीख की रात्रि को प्रारंभ होगा, यानी 21 तारीख का सुबह हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत 21 से लेकर के और 26 तारीख तक जो पंचक का समय है, इस टाइम पर कोई विशेष कार्य नहीं करना चाहिए। खैर, मृत्यु इत्यादि में पंचक को विशेष रूप से देखा जाता है, लेकिन फिर भी वैसे भी मकान बनाना इत्यादि, चारपाई बुनना इत्यादि या मैरिज इत्यादि इस समय पर निषेध माना जाता है। तो जो धार्मिक कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, वो पंचक में भी नहीं किए जाने चाहिए, ऐसा माना जाता है। मंगलवार मंगल मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं 22 मार्च को, ध्यान रखिएगा, मंगल का मकर राशि में प्रवेश होगा 22 मार्च को। 24 मार्च को पितृ शांति यज्ञ इत्यादि कर सकते हैं, पितृ दोष निवारण के लिए भी पूजन इत्यादि कर सकते हैं। यानी 24 तारीख को अमावस्या रहने वाली है। अमावस्या पितरों की शांति हेतु एक विशेष तिथि होती है, पितरों के लिए कार्य किया जाता है। अब चलिए प्रवेश करते हैं हम लोग राशि कर्क का, जो राशि फल है वो किस प्रकार का रहने वाला है। तारीख 14 तक का जो समय है, ध्यान रखिएगा, तारीख 14 तक का जो समय है वह आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। तारीख 15 से समय आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन तारीख 14 से पहले आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, बाल हैं या वृद्ध हैं, कोई भी हैं, ऐसी परिस्थिति में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। किस प्रकार की दिक्कतों का, एक तो स्वास्थ्य में अचानक प्रॉब्लम आएगी, तबीयत अचानक खराब होगी और आपको उससे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करके ठीक करने का प्रयास करना होगा, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसके साथ यहाँ पर लोग तांत्रिक क्रिया इत्यादि करके भी आपका नुकसान पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो यदि किसी पर शंका है कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं या नहीं सोचती हैं, तो किसी के द्वारा दी हुई कोई मीठी चीज़ इत्यादि का ग्रहण बिल्कुल ना करें। सरकारी क्षेत्र में कोई कार्य है तो ऐसे कार्य के लिए प्रयास ना करें। अगर फिर भी महत्वपूर्ण है, प्रयास करना ही पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सूर्य को जल दे करके और पिता को प्रणाम करके ही उस कार्य के लिए जाएं। अचानक बनते हुए कार्यों में अवरोध उत्पन्न होगा तारीख 14 से पहले, मानसिक अशांति रहेगी, बहुत भाग दौड़ करने के बाद कम रिजल्ट प्राप्त होगा। लेकिन तारीख 14 के बाद आपको बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो महीने में खराब चीज़ें चल रही थी, चाहे वो कार्य को लेकर के देखा जाए, चाहे साधारण जीवन को लेकर के देखा जाए, वो सारी गति पकड़ लेंगी। और तारीख 14 तारीख तक खराब रहेगा, 15 तारीख से आप देखेंगे जो आधा महीना है वो आपको बहुत स्पीड से सफलता देने वाला होगा, और जितने भी आपके रुके हुए कार्य हैं वो निश्चित से संपूर्ण हो जाएंगे। भाग्य पूरी तरह साथ होगा, मानसिक शांति होगी। कोई और जानकारी की बहुत वीडियो में बहुत कम जानकारी दे पाते हैं, लेकिन अगर पर्सनल अपने विषय में या अपने परिवार के विषय में कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी है, तो संस्थान का नंबर दिखाया जा रहा है, प्लीज़ आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और वहाँ अच्छे मार्गदर्शक जो
अच्छे नॉलेजेबल हैं, जिनका ज्ञान अच्छा है, वो मुझसे आपकी बातों को सुनते हैं, मुझसे डिस्कस करते हैं, फिर आपको रिप्लाई करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप उनसे बात करके अपने विषय में एक अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या कर सकती हैं। दूसरी चीज़, वेबसाइट का एड्रेस आपको दिखाया जा रहा है manasjyotish.com करके, इस पर जा करके आप अपने विषय में जो डे टू डे लाइफ की जो जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, जो रूटीन है लाइफ का वो आप इसमें जान सकते हैं, धर्म के विषय में नई नई चीज़ें जान सकते हैं, सुविचार इत्यादि जान सकते हैं, और जो मेरे टीवी चैनल्स के प्रोग्राम होते हैं उनको भी जान सकते हैं, मैं कब कहाँ रहूँगा उसके विषय में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप प्रसन्न रहें, इन शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, फिर एक नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। जय श्री राम।